आज के वीडियो में होने वाले हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से विंटर लुक्स। मैंने पूरी विंटर की शॉपिंग की है बैनिक से। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत मस्त होने वाली है ऐसा मुझे लगता है। वीडियो पूरी जरूर देखना। आपको 15-25% ऑफ मिलेगा, काफी कुछ डिस्काउंट मिलेगा अगर आप न्यू यूजर हो तो। और तो भर भर के शॉपिंग करो। अगर आपको मेरे हॉल से कुछ अच्छा लगेगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप इजीली शॉप कर सकते हो। कूपन कोड से मेरा कूपन कोड यूज़ करके आप डिस्काउंट ले सकते हो और मज़े कर सकते हो। तो गाइज, बहुत कुछ अलग अलग वैरायटी थी। मैंने काफ़ी सारे कोट सेट, कुछ बॉटम्स, कुछ स्वेटर, श्रग्स, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज से ऑर्डर करके लुक्स बनाए हैं। तो ये वीडियो मेरी थोड़ी अलग होने वाली है। इसमें क्या है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी क्या मैंने टॉप मंगवाया, क्या मैंने जीन्स मंगवाई है, कितने का क्या है, और साइड में आपको पूरा दिखता रहेगा कि मैंने कैसा लुक क्रिएट किया या हेड टू टो कैसा लग रहा है वो लुक। और मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा मेरा ये वीडियो, कुछ मैंने अलग सा किया है, वरना हर बार मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करती थी। सो मैंने पूरे लुक बनाए हैं, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कौन सा लुक अच्छा लगे, वो भी ज़रूर बताना। और अभी बात की जाए, जो मैं ये टॉप पहन के बैठी हूँ ये भी अर्बैनिक का है, इसके नीचे टैंक टॉप वाइट कलर का वो भी अर्बैनिक का है। ये जीन्स मेरी लिवाइस की है, पहले मैंने अर्बैनिक की जीन्स पहनी थी लेकिन फिर मैंने चेंज कर दिया ऐसे ही, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। सो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपना पहला लुक दिखाती हूँ और यहाँ पहले दिखाती हूँ। सो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ये वाला पुलओवर स्वेटर, बहुत ही प्यारे कलर्स है, बहुत ही सॉफ्ट है। ये 1290 रुपये का स्वेटर है और इसके साथ ना जो मैंने पेयर किया था वो है ये रॉ हेम स्ट्रेट डेनिम स्कर्ट, ये 1614 रुपीज़ के है। तो ये दोनों मैंने साथ में पहने थे। मैं आपको प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, साइड में आप पूरा लुक लगातार देख सकते हो कि कैसा आ रहा है। ये है स्वेटर, ठीक है, ये क्रॉप्ड स्वेटर है, ऐसा ढीला ढाला लूज सा पड़ा रहता है ना। और ये इसकी स्लीव्स हैं गाइज, ये इतना सॉफ्ट वूल का है ना, क्या इसके कलर कॉम्बिनेशन है। और देख सकते हो इसकी पूरी बुनाई कितनी गुथी हुई है, ये बहुत वार्म लग भी रहा है, स्टाइलिश भी लग रहा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसके साथ जो मैंने ये स्कर्ट पेयर की है ना, तो जो इसके स्कर्ट के कलर है ना, वो इसके साथ आप वीडियो में तो देख ही सकते हो कितने अच्छे जा रहे हैं। ये है ये पूरी स्ट्रेट स्कर्ट डेनिम की, इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है। बैक में भी आप देख सकते हो, यहाँ से आपको एक कट मिल जाएगा जिससे आप इजीली चल पाओ, नहीं तो आप चल ही नहीं पाओगे, ऐसे ऐसे पैर आपके अटकेंगे। इसमें साइड में आपको दिख जाएगा कि यहाँ बटन दिए हुए हैं, दो तीन बटन इधर हैं, दो तीन बटन इधर हैं। फ्रंट में कोई बटन कोई जिप नहीं है, साइडों से ही आप बटन खोल के पहनो। और पीछे दो पॉकेट हैं, आगे दो पॉकेट हैं। और इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा स्मूथ है, स्ट्रेचेबल नहीं है लेकिन बहुत प्यारा वाला डेनिम है, वो कहीं से चुभेगा नहीं। और इन दोनों का लुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लोफर्स पहन सकते हो, बूट्स पहन सकते हो, ब्लैक कलर का बैग कैरी कर सकते हो। बाकी तो ये हमारा लुक नंबर वन है, इसको मैं लुक नंबर वन दे रही हूँ। तो बताओ मुझे कमेंट्स में, आप नंबर वाइज भी बता सकते हो कि आपको कौन सा अच्छा लगा। ये मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ सेकेंड लुक। नेक्स्ट हमारे ये शर्ट है गाइज, आप लोग को पता होगा अगर आप मेरी वीडियोस बहुत पहले से देखते आ रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा डाई हार्ट फैन हूँ ऐसी चेकर्ड शर्ट्स की। मुझे चेक शर्ट्स बहुत पसंद है और जैसे ही विंटर्स आती है ना तो मेरी भर भर के चेक शर्ट्स आ जाती है मेरे पास। या तो H&M की चेक शर्ट्स है या फिर अर्बैनिक की, मुझे बहुत पसंद आती है। और ऐसे ही ये थी, ये शर्ट देखते ही मुझे तो हो गया भाई ये तो मुझे चाहिए। क्या प्यारे कलर्स हैं, आप देखो ना, पिंक, बेबी पिंक है, ग्रीन है, थोड़ा नियॉन टच वाला ग्रीन है, पर्पल है, बहुत अच्छी लग रही थी। आई नो थोड़ी सी कॉस्टली है 1990 रुपये की, लेकिन ज़ारा H&M वाला सेम प्राइस एंड फैब्रिक बहुत मस्त है। और आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर लोगे तो ऑब्वियसली आपको ऑफ तो मिल ही जाएगा। कूपन कोड भी मैं बीच बीच में फ्रैश करती रहूँगी क्योंकि, और गाइज
पुराना मत यूज़ करना क्योंकि अपडेट हो गया है। पुरानी वीडियोस में काफ़ी लोग के कमेंट आ रहे थे कि आपका इनवैलिड कूपन कोड है, तो मैं हर जगह जाके चेंज कर दूंगी, ये अब चेंज हो गया, आप ये यूज़ कर सकते हो। इसके साथ मैंने पेयर किया था ये वाइड लेग जीन्स, जो भी ये भी 1990 रुपए की है, मतलब दोनों चीज़ 1990 रुपए की है। इसका कलर ब्लू था। ये वाला लुक तो लाइक अभी भी अगर आप मुझे स्नैप वगैरह में फॉलो करते हो आपने देखा होगा कि जैसे ही ये थोड़ी हल्की ठंड आनी शुरू हुई मेरी ऐसी क्रॉप्ड शर्ट्स और नीचे ये जीन्स निकलनी शुरू हो गई है। पूरा आप लोग देख सकते हो ये है जीन्स, देखो कितनी ज़्यादा वाइड लेग ये वाली जीन्स है ब्लू कलर की, और वेस्ट कितनी पतली लग रही है। मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ी टाइट होगी, लेकिन ऐसे देखने में तो लग रहा है नहीं, ठीक आएगी। इसकी पॉकेट भी देख सकते हो, काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग पॉकेट है। बैक से भी आप देख सकते हो कैसी है। मैंने इसका साइज़ अर्बेनिक का 27 स्मॉल मंगवाया है, ब्लू कलर की। इसका फैब्रिक भी स्मूथ है, स्ट्रेचेबल नहीं है, लेकिन बहुत प्यारा वाला डेनिम है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब वर्थ इट है। मेरे पास बहुत ज़्यादा वाइट जीन्स का कलेक्शन है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं भरता। और इसके साथ मैंने इसको जब पेयर किया था ना यार, ये कितनी सुंदर क्रॉप ढीली वाली शर्ट है, आप बैक से देखो, ठीक है, बैक से भी आप देख सकते हो। इसकी स्लीव्स देख सकते हो आप, क्या प्यारे चेक हैं। फ्रंट में भी दो पॉकेट आपको मिल जाएगी। ये मुझे बहुत क्यूट लग रही है यार, बहुत क्यूट। और पूरा लुक, ये लुक नंबर 2 है मेरा जो चल रहा है, बताना कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारा है ये कोट सेट, ये है टेक्सचर जैकेट एंड स्कर्ट का। ये 2690 का पड़ा मुझे, मतलब 2690 रुपीज़ का। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मेरे को पता नहीं कि इसको देख के ऐसा लगा कि यार कभी कुछ मीटिंग्स होती हैं या पता नहीं, वो बार्बी ट्रेंड मेरे दिमाग में है, क्योंकि जब बार्बी ट्रेंड चल रहा था ना तो मैं देख रही थी काफ़ी लोगों ने पिंक 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 आउटफिट के बहुत कुछ चीज़ें बनाई थी, एंड मेरे पास लिटरली कुछ इतना ज़्यादा पिंक नहीं था कि मैं बना पाऊँ। तो मैं सोच रही थी यार कि मेरे पास कुछ भी ऐसा कोड पिंक है ही नहीं, और जब मैंने इसको देखा ना तो मुझे लगा ये मुझे ले लेना चाहिए, अभी नहीं तो नेक्स्ट आगे कभी कुछ होगा ऐसे पिंक पिंक तो मेरे पास कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो गाइज़ ये है इसकी स्कर्ट, जो बहुत ही ज़्यादा मिनी सी स्कर्ट है। पीछे ना इसमें जिप दी हुई है, तो आप जिससे ईजिली इसको वियर कर सकते हो। और इसके दोनों साइड ना, आई गेस बोथ साइड, या इसके बोथ साइड्स में आपको पॉकेट मिल जाएगी। अब जब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे, ओफ शिट, मैंने अभी अपनी रिंग्स है ना इसका धागा खींच दिया, फैंसी रिंग को अभी उतारती हूँ, नुकसान करवा दिया, इसको भी उतारती हूँ यार, इसका ये धागा खिंच गया, मुझे इसको कट करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वेस्ट मुझे छोटी आएगी, मतलब बहुत टाइट ना आए, क्योंकि मैं बहुत मोटी हो रखी हूँ तोंदू से। और ये है इसका अपर, जो कुछ कोट स्टाइल का है, कुछ क्रॉप्ड है। इसकी स्लीव्स आप देख सकते हो, थोड़ी सी पफी स्लीव्स है। ये है फ्रंट, पूरा ऐसे बटन बटन है, गोल्डन कलर के बटन है। ऐसा ना कुछ H&M पे भी बहुत मिल रहा है, मैंने देखा भी H&M पे ऐसा कुछ टंगा हुआ तो, लेकिन ये पूरा सेट है उसमें सिर्फ अपर अपर ही था, तो मुझे उस हिसाब से लगा कि नहीं ठीक प्राइस का मिल रहा है। कलर भी बहुत अच्छा है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। बाकी आप साइड में वीडियो देख रहे हो, ये मेरा लुक नंबर 3 है। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट है हमारा क्रॉप टॉप एंड ट्राउज़र कोट सेट, ये है 3990 रुपीज़ का, ऑलमोस्ट 4000 रुपये का ये है। ये पूरा डेनिम फैब्रिक का है, इसमें लाइक लूज वाइट पैंट है और ऊपर आपको एक टॉप भी मिल रहा है। तो मेरे पास वाइट ऐसी जीन्स ही थी, तो मैंने सोचा ये 2-in-1 काम कर जाएगी, मैं जब मन करेगा जीन्स अलग भी पहन सकती हूँ और सेट में भी पहन सकती हूँ। और मैं आपको बताना भूल गई कि आजकल अर्बेनिक ने आजकल के मतलब ऑल वो चेंज अपनी पैकिंग चेंज कर चुके हैं। जैसे ज़ारा या H&M से हम कपड़े मंगाते हैं तो नहीं होता वाइट कलर के रैपर में ऐसे रैप हुई हुई होती है, ज़ारा का कुछ टेप एंड स्टिकर लगा हुआ था, ये सेम ऐसी ही पैकेजिंग आने लगी है। पहले क्या होता था, अर्बेनिक की ऐसे जिप लॉक वाली पॉलीज आती थी, ठीक है, अब वो आनी बंद हो गई हैं। जिप लॉक वाली पॉलीज वो बहुत यूज़ होती थी, लेकिन अब वो आनी बंद हो गई। अच्छा है, अब ऐसे पेपर में आपका सामान रैप होके आता है। ये मैं दिखाती हूँ गाइस, ये बिल्कुल प्योर वाइट ट्राउज़र है, ठीक है, और ये पूरा कार्गो स्टाइल वाला ट्राउज़र आप देख सकते हो। एक पॉकेट यहाँ है, दूसरी पॉकेट यहाँ है, ये जिप वाली पॉकेट है। और मैंने इसका साइज़ 27 स्मॉल मंगाया गाइस, मैंने इसका अर्बेनिक में स्मॉल साइज़ मंगाया। आई होप ये मुझे फिट हो जाए। हाँ, बहुत आराम से फिट हो जाएगी, मुझे लग तो रहा है। बटन है, जिप है, और बहुत प्यारा सा फैब्रिक है। सी थ्रू मुझे लग रहा है, लेकिन मैं देखूँ सी थ्रू है क्या, नहीं इतना सी थ्रू नहीं है, वैसे लाइट पड़ रही है तो सी थ्रू लग रहा है। बहुत लंबी ये पेंस हैं। अब इसके ऊपर जो टॉप दिया है ना, वो सेम ही फैब्रिक का वाइट कलर का टॉप है।
आप देख सकते हो कैसा ये टॉप है, ठीक है, और पीछे से भी देख सकते हो। आई नो अब आप बोलोगे कि आप विंटर वाली चीज़ दिखा रहे थे तो एकदम से ये कहाँ से आ गया। जब मैंने इसको देखा ना तो मुझे पता था कि इसका टॉप बहुत क्रॉप होने वाला है, तो मैंने सोचा मेरे पास जितने भी ऐसे पुलओवर्स है ना जो बिल्कुल बॉडी फिटेड है, जैसे ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, पिंक, तो मैं सोच रही थी कि कोई एक पुलओवर मैं वेयर कर सकती हूँ जो मेरे शूज़ से या मेरे बैग से मैचिंग करेगा, वो पुलओवर पहन के मैं ऊपर ये पहन लूँगी और सेम बैग ले लूँगी या सेम कलर के शूज़ पहन लूँगी तो अच्छा लगेगा। तो मैंने ये सोच के ये ऑर्डर किया था और फिर ये मेरा समर में भी चल जाएगा। और डेनिम मटेरियल है, हमेशा एंड रेगस के स्ट्रैप्स भी एडजस्टेबल है। बाकी आप पिक्चर वीडियो में जो साइड में चल रही है आप उसमें लगातार देख ही सकते हो कि मैंने किस तरीके से क्या वियर किया है, क्या इसका लुक एंड फिट आ रहा है। ये है मेरा लुक नंबर 4। चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो हमारा स्कर्ट और टॉप का सेट है ना गाइज, वो कोट सेट नहीं था लेकिन था भी, क्योंकि अलग अलग था, स्कर्ट अलग था, टॉप अलग था। तो जो स्कर्ट के प्राइस हैं वो है ये स्कर्ट 1603 रुपीज़ की स्कर्ट है, और जो हमारा टॉप है वो है 1393 रुपीज़ का। तो मतलब दोनों जगह जब पिक्चर थी ना तो पूरा कोट सेट दिखा रखा था लेकिन अलग अलग था, अलग अलग प्राइसिंग थी। तो मैंने ये दोनों लिया कि मैं कोट सेट बना के पहन लूँगी। मुझे ना इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था, जब ये रिसीव हुआ ना तो उतना ज़्यादा ब्राइट कलर नहीं लग रहा था, थोड़ा गंदा सा लग रहा था। मैंने कहा यार ये क्या मैंने ऑर्डर किया है, लेकिन अब तो आ चुका था तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है टॉप, ठीक है, और आप देख सकते हो ये फुल स्लीव्स का बैक से ये पूरा टॉप है, और ओके वाले मटेरियल का टॉप है, वॉर्म वाला मटेरियल तो मुझे नहीं लग रहा था। अब ये है इसकी स्कर्ट, ठीक है, स्कर्ट का भी आप लुक देख सकते हो, थोड़ा सा ए शेप वाला स्कर्ट है ये, और ऊपर पतली सी इलास्टिक है, और जो मैंने साइज़ स्कर्ट में मंगवाया ना वो स्मॉल मंगवाया है। और मुझे लग रहा था जब ये स्ट्रेचेबल होगी ना तो ये सी थ्रू ना हो, तो इसके नीचे आपको सीमलेस वगैरह तो ऑब्वियसली वेयर करना ही पड़ेगा। तो ये दोनों सेट मैंने मंगवाए थे जो मुझे ओके लगे, मतलब मुझे पर्सनली इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, ओके लग रहे थे, लेकिन अगर मैं इसको इमेजिन कर रही हूँ बीच साइड हेड के साथ, बैक के साथ, तो बहुत सुंदर मुझे लग रहा था। बाकी आप पूरा लुक एंड फिट वीडियो में देख सकते हो कि ये कैसा आ रहा है, मतलब इसका फैब्रिक इज़ ओके, बहुत ज़्यादा वाला बेकार नहीं है, ओके बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को कलर की वजह से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। बाकी आप लुक एंड फिट स्टाइल पूरा देख सकते हो, फिट में कैसा आ रहा है, लुक में कैसा लग रहा है। तो ये था मेरा आउटफिट नंबर, मैं तो आउटफिट नंबर ही भूल गई हूँ, आई गेस फिफ्थ है। अब मैं लास्ट सिक्स आउटफिट दिखाती हूँ आपको। गाइज ये कार्डिगन ना, मतलब जैसे ही आप विंटर चीज़ डालोगे ना अर्बैनिक पे, ये कार्डिगन आपको दिखेगा ही दिखेगा। इसमें शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी, आई गेस कुछ टॉप या बॉटम टाइप का भी है, मतलब इसी कलर में शायद स्कर्ट है। लेकिन मैंने एक ऑलरेडी वो इससे पहले जो दिखाया ना वो स्कर्ट येलो एंड ऑरेंज थी वो मंगा ली थी, तो मैंने सोचा नहीं इसको मैं जीन्स के साथ ही पेयर अप करती हूँ, जैसा आप वीडियो पिक्चर में देख रहे हो कि इसने जीन्स के साथ ही वेयर किया हुआ है, मल्टी कलर स्ट्रिप निटेड कार्डिगन 1674 रुपीज़ का है। 1600 के हिसाब से गाइस ये बहुत लॉन्ग है, बहुत वॉर्म है, इसकी वूल बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, और वुडन वुड वाले इसके बटन है। इसके साथ जो मैंने नीचे लूज़ डेनिम कैरी किया है वो है वाइड लेग जीन्स जो 1690 रुपीज़ की है। तो मैं पहले आपको ये कार्डिगन दिखाती हूँ। देखो ये इतना लॉन्ग है और इसकी कलर कॉम्बिनेशन बहुत अलग और बहुत डिफरेंस है, मतलब ब्लू के साथ ब्राउन एंड ऑरेंज येलो, और ये बहुत छूने में वॉर्म फील दे रहा है, बहुत सॉफ्ट फील दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे कि आप अंदर कोई भी जैसे टैंक टॉप वियर करके इसको ढीला ढाला पहन सकते हो, लूज़ जीन्स के साथ, बड़े बड़े शूज़ के साथ कैरी कर सकते हो। मेरा तो मन है कि मैं इसके नीचे कुछ वाइट पहनूँ और वाइट बड़े बड़े चंकी बूट्स पहनूँ, और ये इसके साथ है वाइड लेग जीन्स एक और, लेकिन इसका कलर ना वो पहली वाली जीन्स से थोड़ा अलग है, और इसका स्टाइल बिल्कुल बेसिक जीन्स वाला है। आप देख सकते हो कितनी लॉन्ग और कितनी वाइड ये जीन्स है, कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और मैंने इसका साइज़ अगेन 27 मंगाया है, ये ना अर्बैनिक का 27 स्मॉल होता है, एक्स्ट्रा स्मॉल 26 होता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये मुझे हल्की टाइट आएगी, मतलब फिटेड आएगी, मैं थोड़ा लूज पहनती हूँ ना तो ये मुझे टाइट आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आप पूरा लुक एंड स्टाइल देख सकते हो कि मैंने किस तरह से कैरी किया था, क्या शूज़ पहने हैं, श्रक का क्या लुक है, क्या फिटिंग आ रही है स्लीव से, लेंथ कहाँ तक मुझे आ रही है मेरे हाइट के अकॉर्डिंग, तो आप पूरा वीडियो में देख सकते हो। ये था मेरा लुक नंबर 6।
सो गाइज दैट्स इट, ये थे मेरे पूरे 6 लुक्स जो मैंने बनाए हैं। अगर मैं चीज़ों को सेपरेटली दिखाती तो भी ये 10-11-12 के आसपास चीज़ें चली जाती। एक एक को एक्सप्लेन करने से बेटर था, मैंने सोचा इस बार मैं लुक्स बनाती हूँ, पूरे दिखाती हूँ, यहाँ पूरे साइड में लुक चलाती हूँ, जिससे वीडियो छोटी भी बनेगी। और काफ़ी लोग को बहुत ज़्यादा वैसे भी प्रॉब्लम होती है कि आपकी वीडियोज़ बहुत लंबी होती हैं, तो मैंने सोचा ये आइडिया ज़्यादा सही है। मुझे बताना ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, कि थोड़ा पैटर्न मैंने चेंज किया है कि मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँ या मैं पूरे लुक्स बनाऊँ और आप साइड में देख रहे हो, तो प्लीज़ मुझे ये चीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना कि इस तरह की वीडियो मैं और बनाऊँ या आपको वैसा ही पुराना वाला टाइप का एक्सप्लेनेशन चाहिए एक एक चीज़ का, तो मैं वही करूँगी। एंड ये टोटल 6 लुक्स थे, मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन कौन से लुक सबसे ज़्यादा अच्छे लगे या कौन सा लुक अच्छा नहीं लगा। बाकी अगर आपको कुछ पसंद आए तो सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएंगे हमेशा की तरह, और कूपन कोड मेरा यूज़ कर लेना, आप लोग को डिस्काउंट मिलेगा GARCC23, ये है मेरा न्यू कूपन कोड। तो बस ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए, यहाँ तक आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहिए मेरी वीडियोस को, मैं यहाँ बैठी हूँ सबका प्यार बटोरने के लिए। तो गाइस चलो जल्दी ही मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय गाइस, लव यू।